आप कुछ भी कर सकते हैं जॉनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माइक दीजिए। नमस्कार भाभी जी, सतीश भाई के बारे में मैं उनको 35 साल से जानता हूँ। 87 में हम लोग मिले थे, शेखर साहब के असिस्टेंट थे, मैंने एक एड फिल्म की थी हम लोगों ने। तो सतीश जी के बारे में एक ही बात कहूँगा, वो जितने मोटे थे अंदर से उससे ज़्यादा मोटे थे, बहुत बड़े थे। जावेद साहब ने कहा, अनिल भाई ने बहुत कुछ कहा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एज अ कॉमेडियन मैं बताऊं आपको, हमको बोलते हैं लोग, जानी भाई आप कॉमेडी करते हो बहुत मुश्किल है, वो डिफिकल्ट है ना कॉमेडी, कॉमेडी एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट, कॉमेडी बहुत बोलते हैं, बाकी कॉमेडी बहुत डिफिकल्ट काम, इसमें कोई शक नहीं है, डिफिकल्टी है, मुश्किल काम है कॉमेडी। लेकिन ये आदमी हम लोगों की, हम जब कॉमेडी करते हैं शॉर्ट देने के पहले हमारी वाट लगती है कि अब कैसे करें उसको, कैसे करें वन मोर टेक, और कैसे करें, क्या करें। इस आदमी का तो कोई टेक 17 टेक लो, ये आदमी तैयार ही रहता है, जिसका नाम सतीश कौशिक है। कैसे शॉर्ट, पता नहीं क्या, ये अलग ही मसाला है, ये अलग ही आइटम है। वो आदमी को कोई टेंशन ही नहीं, कुछ ना, आसानी से करता है मुश्किल काम। जो कॉमेडी मुश्किल काम है ना, वो आसानी से करते हैं, आसानी से कॉमेडी कर लेते हैं। मैं कभी सोचता हूँ यार ये कैसे कर लेता है यार, वो आदमी हम जैसों को हैरान करता है, इसका नाम सतीश कौशिक। कैमरे के सामने हमने काम बाद में सीखा, कैमरे के सामने काम करना, हम तो स्टेज पे करते थे। एक्टिंग क्या है मैंने सतीश कौशिक के साथ काम करके सीखा है, सच बता रहा हूँ। रूप की रानी चोरों का राजा, रूप की रानी चोरों का राजा, उसमें मैंने काम किया। मैं इसमें मेरी उसमें मैं मिमिक्री करता हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे पुलिस वाला बनाया है, मैं मिमिक्री करता हूँ। कोई भी क्रिमिनल है उसको, मेरे अंदर कोई आठ जाता है शत्रुघ्न से आ जाता है या अशोक कुमार जी आते हैं, तो मैं उसी लहजे में बोलता हूँ। कैसे? मुजरिम को तुम, ये मुजरिम बहुत खतरनाक है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बेटे, मेरे दोस्त, ऐसा कुछ मैं कुछ करता था। तो एक जगह उन्होंने करवाते करते करते तीन बजे, देखो जॉनी तुम पुलिस वाले हो क्या, तुम पुलिस वाले हो है ना, अभी ये आए हैं जैकी श्रॉफ है, अभी तुमको उनको बोलना है एज ए पुलिस वाला। अब सीरियसली बोल रहा है ना, वो फाइल लेके जाना है, सर ये बहुत ही वो है, ये है, और उसको आप स्टडी कीजिए फलाना, और ये जो क्रिमिनल है बहुत डेंजरस है, ये वो बोलना, मुझसे नहीं हो रहा था। वो एक्टिंग मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैं एक बार कोशिश के लिए नहीं हुआ, तो सती जी ने वो अरे नहीं, तू कर ले यार, तू वही कर ले, कोई बात नहीं, वो वैसे कुछ कराया, फिर मैं मिमिक्री से करवा लिया उन्होंने। लेकिन मैं कई दिनों तक सोचता रहा मुझसे क्यों नहीं हुआ, ये क्या है। एक्टिंग आसान चीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत से लोग एनएसडी पीएचडी करके आते हैं, तो ये लोग आसानी से कर लेते हैं। मैं तो समझो सतीश जी जैसे लोगों के साथ रह के, वो मेरा क्लास फेलो था, हाँ उनके साथ रह के समझो काम करते 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 सीखा है, सीख रहा हूँ, सीखता रहूँगा, ये काम सीखना ही होता है, कोई मुकम्मल नहीं इसमें। एनीवे अभी हम लोग उनके जाने के एक हफ्ते पहले साथ में थे हम लोग, हमारे जो पॉपकॉर्न वेब सीरीज रिलीज हो रही थी उसके प्रमोशन के लिए हम लोग जाते थे साथ में। उसके बाद शूटिंग में एक साथ हम लोग एक महीना किए, राजस्थान में शूटिंग कर रहे थे, तो ये भाई साहब वाकई बिल्कुल चुप बैठते नहीं थे। यार एक बार क्या पता, वो पंकज और हम बोल रहा हूँ, हम लोग टीवी शो करती शो किया करते थे, वो यार बड़ा मजा आता था, एक मिनट यार शॉर्ट रेडी है यार, मैं शॉर्ट देख क्या था, याद दिलाना, मेरे को याद दिलाना, मैं फिर करूँगा। ये इतने किस्से, इतने जोक्स वो करते थे, इतने आइटम बताते थे, तो ये आदमी हमेशा खुश रहता था। मैं कहा यार ये आदमी का विजन इतना बड़ा, रूप की रानी चोरों का राजा, ये सेट बड़े बड़े सेट, प्रेम इन्होंने बनाई और बड़ी बड़ी फिल्में मैंने काम किया, और ये फिर भी यार ये आदमी ऐसे कैसे रहता है, क्या है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था अंदर से। मैंने कहा अंदर से बहुत ही मोटा था, वो वॉज वेरी स्ट्रांग, बहुत बड़ा आदमी था,
बहुत बड़ा एक्टर था, सही बोले अनिल भाई आप, बहुत बड़े थे और आप लोग इतने नजदीक रहे, आपको पता है आप जब बोल रहे थे मैं वाकई बिल्कुल इतना अच्छा लग रहा था, मैं दिल से बहुत खुश हो रहा था। एक ही वर्ड है, इट वॉज वेरी बिग। हाँ, और उनका बड़ा फनी है कि मेरी बातों में वो हंसते थे, जॉनी यार वो सुराना यार, ये सुराना है यार। बहुत उनका कोई फेवरेट? हाँ सुना था मैं उसी पे आ रहा हूँ जी, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ मुझे माफ कर दीजिए। एक बंगाली कैरेक्टर उनको अच्छा लगता था, बंगाली जो है ना, हमारे बंगाली भाई बहुत इंटेलिजेंट, बहुत दिमाग वाले, बुद्धिमान होते हैं और ये सबको पता है और उनको भी पता है, लोग हमें समझते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। कैलकाटा में ऐसे बहुत मिलेंगे, एयरपोर्ट पे ज़्यादा मिलेंगे, तो दादा को डिस्टर्ब को दादा को सोच रहे हैं, दादा को सोच रहे हैं, दादा एक्चुअली घड़ी देख रहे हैं टाइम क्या हो गया, मगर वो सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, दादा लोग सोचते रहते हैं। तो किसी ने बोला दादा, एक दादा बहुत ही परेशान थे, क्या दादा सब ठीक है? क्या ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। यानी क्या 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 है? कुछ सब ठीक, कुछ ठीक नहीं है, क्या ठीक है? सब गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है, क्या ठीक है? ये देश के अंदर में क्या हो रहा है मालूम है तुमको? कुछ ठीक नहीं हो रहा देश के अंदर, सब ठीक तो चल रहा है, किधर ठीक चल रहा है रे बाबा रे, किधर है तुम मेरी, क्या है ठीक, क्या चल रहा है, एकदम गड़बड़ बड़बड़ देखो। नहीं काम सब ठीक है, कुछ काम नहीं, कोई काम, कोई काम करता है देश को अंदर? काम तो कौन काम करता है, है? है? कौन काम करता है रे, डीपली सोचो। 130 करोड़ का अवधि है, 130 करोड़ का अवधि है, कितने लोग काम करता है, बात करता है? यानी काम तो करे, अरे बाबा रे नहीं रे बाबा रे, इसका बपड़ो देखो। जो लोग काम करता है, रिटायरमेंट रिटायर हो जाता है नौकरी से, उसके बाद में काम तो नहीं करेगा, वो तो बैठा है। वो लोग 30 करोड़ लोग है, वो बाजू में काढ़ो, बाता कितना बोले 100 करोड़ था। और जो स्टूडेंट लोग जो है, जो स्कूल में बच्चा लोग जो पढ़ता है, वो तो पढ़ता है, वो तो काम नहीं करेगा, वो लोग 40 करोड़ है, बाजू में काढ़ो, कितना बचा बोले 60 करोड़। 60 करोड़ में पंद्रह करोड़ भिखारी है, बाजू में काढ़ो, बचा कितना बोले 45 करोड़। 45 करोड़ का अंदर कोई म्यूनसिपालिटी में है, गवर्नमेंट सर्वेंट लोग है 12 करोड़, वो तो काम नहीं करेगा, सरकारी जो है वो काम करो, क्या इतना बचा बोले 30 करोड़। कुछ तो पॉलिटिक्स में है, वो तो काम नहीं करेगा, वो 5,000 पकड़ो, बता कितना बोले 25,000। 25 करोड़ लोग काम करने से साला देश चलेगा, ये शब्द का बात है, चाइना किधर से किधर चला गया है, 25 करोड़ लोग क्या काम करेगा, 25 लोग काम करने से देश चलेगा, चाइना किधर से किधर चला गया, हम उधर में ही है। दादा क्या बात किया आपने, माय गॉड, अरे बापे ये बात किसी को पता नहीं, बापे सोच मीडिया में आके आपको ये बात बोलनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट पकड़ा है आपको मीडिया में आकर, नहीं 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 अरे हम अपने नहीं नहीं आपको बोलना चाहिए दादा, अरे ये क्या पॉइंट पकड़ा आपने, साला 25 करोड़ लोग काम करते थे, नहीं आपको नहीं नहीं अरे हम नहीं बोलेगा बाबा, देखो इधर देखो इधर 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 तो एक ऑफिशियली 130 है, अनऑफिशियली 10 करोड़ और है, एक्चुअली 140 है, वो 10 करोड़ अनऑफिशियल लेता है, ठीक है? नहीं नहीं ये तो छोड़ दो तुम, नहीं नहीं आप ये बात तो बोलनी पड़ेगा, अरे नहीं बोलेगा रे बाबा, हम नाम नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, अरे आपको बोलना चाहिए आप देशवासी, अरे नहीं बड़े हम नहीं बोलेगा, हम बोलेगा वो 10 करोड़ के अंदर का जो है उनको, उनके साथ में हमको भी निकाल देगा, हमको भी निकाल देगा, हम नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, अरे हम बांग्लादेशी है रे बाबा
टाइम नहीं, गर्म पानी। और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, पुराने जमाने के लोग अच्छे होते थे, अभी के लोग इतने अच्छे। अरे 25 साल बाद फिर वो भी लोग बोलो भी वो ये बोलेंगे पहले वाले अच्छे थे, अभी लोग ऐसे हैं। लोग सभी अच्छे होते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के अच्छे लोग इसलिए बोलते थे हम लोग कि पहले के ज़माने में लोग आबादी कम थी और फिर लोग कम थे, लोग फुर्सत थी तो वो लोग एक दूसरे से बात भी करते। आज टाइम नहीं, ये बात अलग है ना। पहले के ज़माने में देखिए रास्ते में कोई झगड़ा हो जाए, कोई दो बंदे लड़ रहे होते हैं, दो बंदे लड़ रहे हैं तो इतने अच्छे होते थे बेचारे। कोई बेचारा रिश्ते से लेके जा रहा काम पे, वो बेचारा देख लड़ रहे यार चाय वाले का, बस ये बाबा नहीं 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 मैं सॉरी बोलता हूँ आपको भाई, नहीं 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 प्लीज, और गले मिलो, चलो नहीं हाथ मिलाओ, नहीं अरे अरे घर जाओ यार क्या कर, हाथ मिलाओ गले मिलाओ, चलो शाबाश शाबाश शाबाश, जाओ जाओ जाओ, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जाओ यार काम कर अपना। ऐसे लोग थे पहले, आज अगर लड़ रहे हैं दो आदमी छुड़ाना दूर मोबाइल लेके शुरू हो जाता है वो लड़ने वाले, ये लगे थे गिर रहे हैं पड़ रहे हैं, उनको भी बजा रहा है ये वो दोनों खड़े जाते, चले 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 तू जानता नहीं मेरे को, तू कौन है बे, चल उठा के ले जाओ तेरे को उठा के, क्या तू हमारे क्या उठा के ले जाए, चल बे तू जानता नहीं मेरे को, तू क्या करेगा, ए गाली बत्ती गाली, तू गाली बत जाए, मैंने मैंने तूने गाली दी, तू गाली बजे तूने पहले गाली, मैंने नहीं पहले तूने गाली दी, मैंने नहीं तू 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 मैं तू मैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई साहब आप वीडियो लेते ना थोड़ा रिवाइंड करना प्लीज, जरा थोड़ा रिवाइंड जरा बताओ, जरा पहले बताओ गाली किस देती, पहले वो देखना अपने वजह है भाई, देखो आप सब देख रहे, अच्छा अच्छा देख देख पहले तूने गाली दी, बैठ बात करता है साला, हट भाई आप लोग है ना इससे गाली देना है ना, अच्छा लगा आपको प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। हाउ वंडरफुल सतीश भाई जिंदाबाद पेपॉम।